वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज मैं लेट हो गई सोने में, अभी भी नींद आ रही है कि मन कर रहा है सोते रहो, इतनी ठंड लग रही है ना। और मम्मी ने इतना कुछ बना भी दिया खाने के लिए, और मम्मी चाय बना रही है, चाय के बरसा है थोड़ी गर्माहट मिले, इतनी ठंड थी। और ये देखो क्या, आलू का परांठा आज भी बना रहे हो तेरे लिए, मेरे लिए? वो चावल के आटे का जो मैंने आपको बताया, ये क्या है? छोले मेरे लिए, डाइट के लिए, डाइटिंग के लिए मेरे लिए। और इतना लेट उठी हो ना, अभी भी मन कर रहा है कि सोते रहो सोते रहो। मम्मी सो जाओ, काम कौन करेगा? मम्मी सो रही थी, आपको तो जल आज भी नहीं चलाया। अच्छी बात है, चलो। मम्मी ने अपने लिए बॉइल चने करे हैं, ये वाले डाइटिंग वाले जो होते हैं ये। और मम्मी डाइटिंग कर रही है जो कि पतला होना चाहती है, आधी वीडियो कही है ब्लॉग में, मम्मी मना कर रही है। और मम्मी आप पतले होके करना क्या चाहते हो? आप मॉडलिंग करना चाहती हो? नहीं, सेहत ठीक रहती है। ठीक, अभी ख़राब है, थोड़ा घुमा करो, फिर उसके लिए वॉक अच्छी होती है। झूठ है, मम्मी नहीं ला रही है, मन नहीं कर रहा कुछ। सो जाओ, आधा घंटा सो जाओ। मैं आज भी आपके सूर्य देव को मैंने जल नहीं चढ़ाया, तो इतनी ठंड में सूर्य देव तो नहाते हैं। सो जाओ आराम से। अरे 12 बजे के बाद तो धूप आती है, सूरज देव करेंगे। और मम्मी के खाना बन रहा है, चाय बन रही है, मज़ेदार। देखिए क्या बोल, चाय पी के सो जाइए, चाय पी के सो जाओ। बिस्तर, बाय बाय, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। और मम्मी तो सुबह सुबह अपने आज खाना बना लिया, क्या क्या बनाया? ये राइस है। तो लेट उठेगी तो खाना नहीं बनेगा। ये क्या है? छोले, छोले की सब्जी, चावल। हाँ, और ये सलाद है, मैक्रोनी। और नाश्ते में मैक्रोनी, मैक्रोनी। क्या क्या डाला है? वेजिटेबल सारे मिक्स। अच्छा, वाव, छोले, राइस, चाय। अरे साइड में क्या बन रहा है मम्मी? वो चाय बन रही है, मगर तेरे लिए नहीं है। नहीं, चाय पीनी है मुझे, मेरे को पीनी है। मम्मी ये क्या चीज है? आंवला। आंवला? आपने 2 दिन उसका हुआ बनाया था मुरब्बा, आज फिर कुछ ना कुछ बनेगा। आप रोज कुछ ना कुछ, ये नए लाए थे आप? आंवला, ये बीच में से कट क्यों है इनमें? ये हम मैंने बॉईल कर दी है, ये कट है इसमें, बॉईल कर दी है इसको, बॉईल कर दिए। चलो जो बनाओगे तो बता देना, हम भी अपने यूट्यूब फैन फैमिली को दिखाएंगे आखिर मम्मी क्या बना रही है। सुबह सुबह मुझे ही आ गया चाय का गर्मा गर्म। अरे मम्मी, मेरी चाय है ये, दोनों की खाना। ठंड हो रही है, और आप भी पीजिए, सब पीजिए। बाय बाय, वरना मिलते। ये मेरे बिस्किट है जो मैंने आपको बताया था, मैं वाला प्रोडक्ट खाती हूँ, तो उस प्रोडक्ट का ही ये बिस्किट है। सारे भगवान जी ने भी गरम गरम ड्रेसेस पहन रखी है, कितने प्यारे लग रहे हैं सब, अद्भुत। पूजा हो चुकी है, और ये राधे कृष्ण की गाड़ी है, दोनों वृंदावन जाते हैं इसमें घूमी घूमी। चलिए बाद में मिलती हो, राधे राधे। मियाओ, क्यों हो रहा है ये? हाँ, आई मस्ती हो रही है, जा रही ज़्यादा मस्ती। अरे हेलो गाइस, मैं धूप सेकने आई थी,
और काफ़ी अच्छी धूप है आज, और मैंने हाईनेक पहन रखा था वो भी उतार दिया, इतनी तेज़ धूप थी ना कि मेरे से पहना ही नहीं गया, और नीचे के ये टेंट टेंट आवाज़ आ रही है, और मेरे से वो हाईनेक पहना ही नहीं गया, तो घर के अंदर इतनी ठंडक हो रही है, बर्फीली जैसी ठंडी हवा हो, और ऊपर इतनी गर्मी धूप है, इतनी तेज़ धूप है, देखिए सूरज। और आज जो कल के कपड़े रह गए थे ना सूखने, वो आज मैंने लगाया, इसलिए मैं धूप सेकने आई हूँ, और काफ़ी गर्मी हो रही है, और मम्मी नीचे आराम कर रही है, एंड नीचे जाके मम्मी शाम को सेलू एलोवेरा का कुछ बनाए, एलोवेरा नहीं सॉरी आंवला का कुछ मम्मी कह रही थी कुछ बनाएगी, अब मुझे भी नहीं पता, मम्मी बताएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे सामने बनाएगी तो, और मम्मी ने पहले ही बना दिया तो पता नहीं मुझे, और जब मम्मी बताएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, ऐड करूंगी अपने ब्लॉग में, ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय। मम्मी ना एक ड्रेस बना रही है, मम्मी से पूछा जाए कि वो ड्रेस आखिर कौन से भगवान जी की है, मम्मी बताती नहीं है, अब पता करना पड़ता है हम लोगों को। मम्मी ये क्या बना रहे हो आप, नीला नीला दिखाओ ना अच्छे से, फ्रेंड करके दिखाओ ना, मैं दिख ही नहीं रहा, कौन से भगवान जी का है मम्मी ये? साईं बाबा की। साईं बाबा की, छोटा नहीं हो जाएगा? नहीं, अच्छा मुझे लगा पहले लड्डू गोपाल का है, उनकी तो बन गई, उनकी बन गई, और उनका ना अपना मुझे वो दिखा देना जो आपने दरी मतलब उनका वो जो कंबल बनाया है पिंक कलर का, उधर रखा है, उधर रखा है, चलो भी दिखाती हूँ। वाह मम्मी कंबल तो बहुत मस्त बनाया है अपने, आप हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बनाते, कान्हा जी को सिर चढ़ा रहे हो, देखो कितने अच्छे कपड़े बनाते हो, और राजा रानी मैंने यहाँ लड्डू गोपाल की ड्रेस वो बनाया, साईं बाबा की ड्रेस बना रही है, और लड्डू गोपाल की कंबल बनाया मम्मी ने, कितना अच्छा बनाया है, और उसमें नेट का डिज़ाइन भी दिया है मम्मी, नेट का डिज़ाइन कैसे दिया आपने? क्रोशिया से मम्मी ने उसको डिज़ाइन दिया है, और बीच में सिलाई से बनाई है मम्मी ने, और काफ़ी अच्छी है, और एक और मम्मी ने बना रखी है वो भी काफ़ी अच्छी है, वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ब्लैंकेट हो, जैसे हमारा होता है ऐसा छोटा सा ब्लैंकेट है, बड़ा प्यारा है वो भी। मम्मी किसकी ड्रेस है ये? साईं बाबा की, साईं बाबा जी की, ये पटका है और वो टोपी है, और नीचे का है घेरे वाली है घाघरा। हेलो गाइस, अभी मैं मार्केट से आई हूँ, एंड मार्केटिंग आज मैं मार्केट गई थी तो मैंने सोचा शॉपिंग करी जाए, तो आज मैंने प्रोडक्ट्स लिए, ये सब प्रोडक्ट लेके आई हूँ मैं यूज़ करने के लिए, और काफ़ी मेकअप का सामान लेके आई हूँ मैं आज, आज मैंने काफ़ी शॉपिंग करी एम से, और भी चीज़ें ली है जो मैं आपको दिखाती हूँ ब्लॉग में। देखिए ये फेस में लगाने के लिए अच्छे से, और ये मेकअप का सामान लाई हूँ मैं, और ये लिपस्टिक है मेरी, और काफ़ी शॉपिंग करी है ये मैंने, अच्छा अच्छा सामान लिया है इस बार तो, फेस वॉश एंड स्मूथ स्टेपिंग शैम्पू है ये तो मेरे लिए, बालों के लिए, मेरी सेल वो कहते हैं हेयर इतने ड्राई हो रहे हैं सर्दियों में हो जाते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि शॉपिंग की जाए, और फेस के लिए लिया है, मेरे ब्लैकेट्स काफ़ी हो गए थे तो मैंने सोचा शॉपिंग करी जाए, तो ब्लॉग उस टाइम बना ना सकी, तभी मार्केट में बहुत भीड़ थी, तो मैंने सोचा कि घर आके आराम से बनाऊंगी और आपको सामान दिखाऊंगी, और आज ये मैंने बैग नहीं वो लिया है, और इसके अंदर काफ़ी सामान मैंने ठूस रखा है आज, और ये सब शॉपिंग करी है आज मैंने,
और शॉपिंग करके इतना मज़ा आया ना आज। और फिर मेरा अपने कुकिंग का ब्लॉग देखा होगा, आलू के परांठा आजकल 2-4 दिन से ना आलू के परांठे ही बन रहे हैं घर में। बहुत मज़ा आता है आलू के परांठे सर्दियों में खाने का, और घी डाल के। आज भी मैंने वही खाया है, आलू के परांठे ही पापा ने बनाया आज तो। और कभी पोहा पसंद करती हूँ सर्दियों में, कभी कुछ करती रहती हूँ। और आज मैंने शॉपिंग का किया, और शॉपिंग चल रही है तो, और न्यू बैग लिया है अभी, और भी सोच रही हूँ बैग लेना है। और मेरे को सैंडल लेनी है, एक हील टाइप लेनी है, और मेरा बर्थडे भी आ रहा है तो शॉपिंग तो बनती ही है। और ये ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा आज, और मेकअप का सामान काफ़ी अच्छा है, आप भी कीजिए यूज़। ये काफ़ी अच्छा मेकअप का सामान है, एंड काजल भी मैं अच्छा वाला ही लगाती हूँ, बहुत अच्छा है वो भी। और मेरे फेस में काफ़ी ब्लैकेट्स हो रहे थे तो मैंने फेस के लिए लिया तो। और आप बताइए मेरे को फेस में क्या लगाना चाहिए, बड़े ब्लैकेट्स हो रहे हैं। वैसे मैंने अभी बिना मेकअप की हो, मेकअप बिल्कुल नहीं कर रखा, और मेकअप के बिना मैं अच्छी लगती हूँ वैसे भी, पता नहीं, पर आजकल मेकअप के बिना ना थोड़े ब्लैक हो रहे हैं, और मेरी स्किन तो बहुत अच्छी है मेकअप के बिना भी। और मेरी हेयर्स ना सर्दियों में रफ हो जाते हैं, तो फिर मैंने हेयर के लिए भी लिया है सामान। और आज मेरा ब्लॉग यहीं तक रहेगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मम्मा भी बाजार ही गई हुई है सब्जी लेने, मैंने कहा आज तो मैं नहीं जा पाऊँगी, तभी अब मैं शॉपिंग करके थक चुकी हूँ ना, मैंने कहा अभी नहीं, और मैं अब आराम करूँगी बस। और बहन भी अभी ऑफिस से आई, उसने मैक्रोनी वगैरह खाई है, और मम्मी और पापा अभी शॉपिंग करने गए हैं बाजार, और भी सामान लेना होगा, और वो घूम फिर के आएंगे, मोमोस वोमोस तो खा के ही आते हैं आजकल, जो भी बाहर निकला समझो ये सब तो खाते ही है। और जैसा भी आपको मेरा ब्लॉग लगता है ना, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और बहुत सारा प्यार दीजिए, जो कि मुझे प्यार की बहुत सारी ज़रूरत है। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट, बाय बाय।